हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एडुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएं। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गया है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से काम करके बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है टेलीग्राम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर है क्या। टेलीग्राम एक मैसेंजर ऐप है जिसमें आप चैनल्स बना सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और किसी भी साइज की फाइल शेयर कर सकते हैं। और ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि यहाँ आपकी चैट्स टोटली सिक्योर्ड हैं। यहाँ तक कि अगर दो लोग चैट कर रहे हैं तो उनमें से एक अगर स्क्रीनशॉट लेता है तो दूसरे को नोटिफिकेशन चला जाता है। तो हुआ ना ये काम का ऐप। चलिए अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल्स क्या है। ये कुछ फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही है। यहाँ आप टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, स्पेशल ऑफर्स, अपकमिंग इवेंट्स एक्सेट्रा ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसमें बस एक ही चेंज है कि यहाँ सिर्फ एडमिन ही चीज़ें शेयर कर सकता है, ग्रुप मेंबर्स सिर्फ उसे देख सकते हैं। How to make the most of your Telegram channel? सबसे पहला है find a niche। Telegram पर channels की भरमार है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप similar interest के लोगों को आसानी से attract कर पाए। तो इसलिए आपको अपना niche decide करना होगा जो औरों से अलग हो, या फिर आप keywords की भी help ले सकते हैं जिससे लोग आपको आसानी से search कर सके। अगला point है simple and clean logo। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो लोगों में इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स थोक के भाव से भर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है और कोशिश कीजिए कि लोगों में किसी की रियल पिक्चर ना हो। उसके बाद आता है यूज़ कीवर्ड्स इन अ चैनल नेम। कीवर्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको ईजिली सर्चेबल एंड डिस्कवरेबल बनाने में। ऐसे कीवर्ड्स चूज कीजिए जो आपके ब्रांड को और आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हों। उसके बाद आता है पोस्ट कंसिस्टेंटली। आपके पास एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप अपने सब्सक्राइबर्स को रोज नया एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट दे सके जिससे वो एंगेज रहें और आपके साथ बने रहें। उसके बाद आता है डोंट पोस्ट टू मच। अगर आप एक ही दिन में 15 पोस्ट शेयर करेंगे तो यकीन मानिए आपकी ऑडियंस आपके चैनल को म्यूट कर देगी जिससे आपको व्यूज नहीं मिल पाएंगे, तो फिर पोस्ट करने का फायदा ही क्या होगा। तो आप लिमिटेड पोस्ट करें और अपने सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट की चीजें ही पोस्ट करें। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आपको यूनिक कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स दोनों बनाने चाहिए, सोशल मीडिया लिंक्स के प्रमोशन के लिए टेलीग्राम यूज करना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी, अपने चैनल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं How to use Telegram for teaching and educational purpose। एक चैनल या ग्रुप क्रिएट कीजिए जिसमें आप सभी क्लासेस ऐड कर सकते हैं एंड प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर सारा का सारा डेटा सर्वर पर स्टोर्ड रहता है तो आपके न्यू या ओल्ड स्टूडेंट उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टेलीग्राम पर आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट को टास्क, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स दे सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल दोनों बना सकते हैं और उसे क्लासरूम की तरह यूज कर सकते हैं। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए टेलीग्राम पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर Q&A सेशंस भी रख सकते हैं, अलग अलग स्कूल, कल्चर या यूनिवर्सिटी के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फिर आता है मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम पर चैनल क्रिएट करके एड सेल कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि आप टेलीग्राम टीचिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।